हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षीज क्रिएटिव कॉर्नर। और आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने जा रही हूँ बालकनी डेकोर DIY। और इसके लिए मैं ले रही हूँ पुट्टी का डो और ये वेस्ट केन, जो कि कोल्ड ड्रिंक के जो अक्सर हमारे यहाँ बेकार हो जाते हैं तो हम लोग फेंक देते हैं, तो इसी को आज देखते हुए मैं एक DIY बनाऊंगी। देखिए, मैंने पुट्टी की DIY पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की, तो डो कैसे बनता है उस पर मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। फ्रेंड्स, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि सिंपल इसको थोड़े थोड़े पानी से मैंने पुट्टी का डो लगा के और एक चपाती बना के इसमें लगा दिया। और फिर देखिए, ये ड्राई हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखिए हाफ पोर्शन पे हम टील ब्लू कलर यूज़ कर रहे हैं। आपकी जो चॉइस हो फ्रेंड्स, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर यूज़ करिएगा। और देखिए, अक्सर हमारे घरों में बेकार चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, और बालकनी डेकोर के लिए हम महंगी से महंगी चीज़ें लाते हैं मार्केट से, तो क्यों ना हम इस तरीके की चीज़ें अपने घर पे ही बनाएं वेस्ट मटेरियल से, और इस तरीके से हम अपने स्क्रैप को भी यूज़ में ले लेंगे और हम एनवायरमेंट को भी अपने जो है फ्रेश बनाए रखेंगे। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, देखिए मैंने जो है टील ब्लू यूज़ किया आधे में, और आधे में मैं येलो कलर यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड। तो इस तरीके से इसको जो है यूज़ करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे आगे किस तरीके से मैंने इसको बनाया है। और मेरी भी यही उम्मीद रहती है कि मैं आप लोग के साथ में बहुत अच्छे अच्छे DIYs लाऊं, और मेरी फ्रेंड्स यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोग के साथ में इजी DIY शेयर करूं, ताकि आप लोग ईजिली बना सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, बातें करते करते देखिए हमारा जो है हाफ में ब्लू और हाफ में येलो कलर हमारा हो गया कम्प्लीट। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना। देखिए, मैंने पहले से इसमें सेंटर में होल कर लिया था, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। तो देखिए, सेंटर पे होल करने के बाद में हमने इस तरीके के 3 थ्रेड लिए हैं, जो कि सेम साइजेस के, हमने इनको कट करके अलग रख लिया। और अब एक थ्रेड और ले रहे हैं, और इस तरीके का देखिए वॉल पुट्टी से मैंने ये एक डो के सहायता से थोड़ा सा बेल के और उसमें भी होल कर लिया और उसको ड्राई कर लिया था। तो अब देखिए, इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे टाई कर लिया है, अच्छे से टाई कर लेंगे। और इसके बाद में अब हम इसको इसी सेंटर वाले होल से इस थ्रेड को हम बाहर निकाल रहे हैं। ये हम एक्चुअली फ्रेंड्स, ये हम एक विंड चाइम बना रहे हैं, जो कि गार्डन में डेकोरेट के लिए आप बहुत अच्छे से इस तरीके से बना के अपने गार्डन को, अपने बालकनी को बहुत सुंदर डेकोरेट कर सकते हैं। और देखिए, अब ऊपर से मैं इसमें बीड्स लगा रही हूँ, और ये बीड्स भी मैंने जो है वॉल पुट्टी से डो से ही बनाई हैं और उसको ड्राई करके कलर कर लिया है। तो अब इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, लग जाने के बाद में अब हम चलेंगे अपने जो मैंने 3 थ्रेड्स पहले सेम साइज़ के काटे थे, इनमें हम बर्ड को ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। और बर्ड लगने से एकदम ही हमारा बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल एकदम गार्डन में और भी अच्छा इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से देखिए, ये मेरी वेस्ट बेकार पड़ी हुई थी ये बर्ड, तो इनको मैंने यूज़ में लेते हुए यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से पेस्ट करके और इन तीनों को मैं अच्छे से यहाँ पे लगा दूँगी। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, हमें लगा लेना है और थोड़ी थोड़ी गैपिंग रखते हुए हमें लगाना है, ताकि ये आपस में उलझे नहीं। तो इस तरीके से देखिए, हम लगाते चले जाएंगे। तो अब देखिए, बर्ड लग जाने के बाद में अब हमने जो सेंटर में ये हैंग किया था, इसको हम अपने इसी कलर से कलर कर लेंगे फ्रेंड्स। और इस तरीके से देखिए, इसको कलर कर लेने के बाद में अब हम इसमें ऊपर हम पैटर्न बनाएंगे। आपकी जो चॉइस हो, आपको जो इजी पैटर्न लगे, मुझे तो ये बहुत इजी लगा, तो ये मैंने इसमें पैटर्न यूज़ किया है। और थोड़ा सा इसमें हमारा थोड़ा अलग थोड़ा लुक और अच्छा आएगा निखर के। तो इस तरीके से देखिए, हम इसको जो है ब्लैक कलर से बना लेंगे। तरीके से अगर टांगेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें अपने हाथों से बना के, तो हमें देख के भी बहुत खुशी होगी और हमारा गार्डन भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से देखिए, अब हमने सेंटर में लिख लिया है बेल। आप जो चाहें, आपके जो चॉइस थॉट हो, आप वो लिख सकते हैं। और थोड़ा सा इसको और कलर ऐड करने के लिए मैंने रेड के डॉट्स रख दिए। तो देखिए फ्रेंड्स, देखते देखते हमारी जो है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। और थोड़ा सा आप और भी अपनी अपनी आप अच्छी और क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, और मुझे लगता है फ्रेंड्स, आप लोग और अच्छा बनाएंगे
और अगर आप लोग फ्रेंड्स बनाइएगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी आप बना के आप फोटो मुझे आप वहाँ सेंड कर सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है फ्रेंड्स, तो आप मुझे वहाँ से भेज सकते हैं। आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा मेरे साथ में अगर आप लोग बनाइएगा तो। देखिए फ्रेंड्स, देखते देखते हमारी ये वेल बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स इसी बात पे, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज का आपको वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, और इसी तरीके के मैं आप लोगों के साथ में इंटरेस्टिंग से DIYs वीडियो शेयर करती रहूँगी फ्रेंड्स। तो इसी के साथ में अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से DIY वीडियो के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।